हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा भाई है। तो गाइस, ये मेरा छत है, तो सोचे छत पे चढ़े थे, तो सोचे बहुत दिन बाद आए थे, तो सोचे कि थोड़ा वीडियो बना लिया जाए छत का भी। हमेशा तो बाहर का बनता है, इसीलिए गाइस हम बना रहे। देखिए ये तार का पत्ता रखा हुआ है, सूखने के लिए रखा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं। और सब बताइए गाइस, कैसा चल रहा है दिन, कैसा कट रहा है? सो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन मुझे एक आपसे कंप्लेन है, आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, ना चैनल को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। बताइए, मेरे में कमी है हम जानते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा क्या कमी है? कमी तो बहुत सारा है, कैसे पता चलेगा? वो आप लोग के जरिए पता चलेगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप में ये कमी है, आप ये सुधार सकते हैं, ये सुधार करने की ज़रूरत है, वैसे ही ना पता चलेगा। अब आप लोग ना कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। बताइए, मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सपोर्ट करिए, हमें अपना प्यार दीजिए, ताकि हम और आगे जाएं और सारा ढेर सारा वीडियो आपके लिए बनाएं। चलिए मैं ऊपर से कुछ आपको व्यू दिखाता हूँ अपने छत से, कितना अच्छा अच्छा व्यू है। चलिए दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर से कितना मस्त व्यू आ रहा है, एकदम यहाँ से खेत दिख रहा है पूरा, देख सकते हैं गाइस। इधर भी पूरा एकदम, इधर तार का पेड़ एकदम सटा हुआ है, एकदम इधर छांव रहता है, देख सकते हैं गाइस। देखिए गाइस ऊपर से कितना मस्त व्यू आ रहा है। सो गाइस देख सकते हैं मेरे घर से, मेरे घर के छत पर से कितना मस्त व्यू आ रहा है। चलिए मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। मेरे घर के जस्ट पीछे एक पोखरा है, और उधर खेत है जो इसमें गेहूं का कटनी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर से ही दिखाऊंगा, पास से नहीं ले जाके दिखाऊंगा, पास से फिर कभी दिखा दूंगा। फिर मेरे घर के पीछे जितना खेत है वो सब दिखाऊंगा, कटनी लगा हुआ है अभी गेहूं का। मेरे घर के सामने NH-19 है, वो भी दिखाएंगे, लेकिन वो दिखता है जैसा वैसा है नहीं। NH-19 वो है नहीं, सिर्फ हमको लगता है नाम के लिए है। पूरा रोड ख़राब है, और उस पर सब ट्रक पकड़ा के बालू वाला रखा हुआ है वहाँ पे। चलिए हम आपको और जूम आगे करके और डिटेल में बताते हैं। चलिए गाइस, तो गाइस देख सकते हैं मेरे छत से कितना मस्त व्यू आ रहा है। देखिए गेहूं का कटनी लगा हुआ है, इधर सब गेहूं कटाया है, इधर भी दूर दूर तक देख सकते हैं, इधर तो उतना नहीं दिख रहा है लेकिन है, और इधर सब कटा चुका है, इधर सब गेहूं कट गया है। देखिए एक आदमी कटवा के भूसा कटवाया है, ऐसे ही भूसा निकलता है, और इधर देखिए अभी कटनी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, कटनी अभी इधर लगा ही हुआ है। और देखिए गाइस मेरे घर के एकदम पीछे जस्ट इतना बड़ा पोखरा है, देख सकते हैं, ये इधर भी फैला हुआ है हल्का, लेकिन ये बीच में तार का पेड़ आ गया इसीलिए नहीं दिख रहा पूरा क्लियर। देख सकते हैं गाइस इतना बड़ा पोखरा है, ये बहुत पूरा भरा रहता है, लेकिन अभी सूख गया है गर्मी के कारण। अभी उतना गर्मी नहीं है लेकिन तब भी सूख गया, क्योंकि पिछले साल बारिश नहीं हुआ इसीलिए। और देख सकते हैं गाइस मेरे घर के एकदम सामने से रोड जाता है NH-19, गाइस देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं मेरे घर के सामने से एकदम NH-19 जाता है, देख सकते हैं कितना सारा ट्रक बालू वाला पकड़ा के रखा हुआ है। इधर का रोड भी उतना सही नहीं है, देख सकते हैं इधर सब टूटा हुआ रोड है, देखिए क्लियर नहीं दिख रहा, इसका भी हम एक दिन वीडियो बना के डालेंगे। देखिए पूरा रोड इधर ख़राब है, ये सिर्फ कहने के लिए NH-19 है लेकिन ये कुछ है नहीं, इधर पूरा ट्रैफिक ही लगा रहता है, अभी थोड़ा खाली है ट्रैफिक, देख सकते हैं इधर कितना सारा ट्रक पकड़ा के रखा हुआ है, देख सकते हैं गाइस। चलिए इसी के साथ हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। चलिए गाइस बाय बाय, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए गाइस बाय। सो गाइस ये कुछ व्यूज था जो मेरे घर से बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो गाइस ये कुछ व्यूज था, चलिए अब अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट जरूर करिए, ठीक है।
चलिए बाय।